So hey everyone welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes my name is Vipin Kumar Sharma and in this particular video we are going to talk about Coronil Coronil is a medicine that has been developed by Patanjali Research Institute to treat the coronavirus patients and according to baba ramdev it is 100% efficient and 100% effective to treat all the coronavirus patient in just 7 to 14 days so we are going to talk about this medicine whether it is you know approved or not what are the different kind of phases that a medicine had to go through टू गेट द अप्रूवल फ्रॉ वराइटी ऑफ कमिटीज़ सो दैट इट कुड भी कमर्शलाइज इन द मार्केट सो यहाँ पर जो है हम लोग बिल्कुल लॉजिकल बातें करेंगे और साइटिफिक बातें करेंगे यहाँ पर मैं आपको डॉकिंग प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वैक्सीन आपकी बनाई जाती है और कौन कौन से आपके क्लिनिकल ट्रायल के फेजेज हैं सो so, ये जो पूरा लेक्चर है ये ऐसा नहीं है कि आपका वेस्ट हो जाएगा दिस इज नॉट जस्ट अ टॉक ओके okay? और ये कोई मतलब डिबेट नहीं है ये एक हेल्दी डिस्कशन है जहां पर मैं साइंटिफिकली आपको इसका कंक्लूजन तक पहुंचाऊंगा सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि काफी ऐसी चीजें आपको जानने को मिलेंगी जो कि आपकी किताबों में नहीं है राइट सो लेट्स प्रोसीड सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वॉन्ट टू यू नो टेल यू गाई समथिंग ओवर हेयर कि आई एम नॉट अगेंस्ट आयुर्वेदा मुझे भारत की पारंपरिक संस्कृति पर बहुत नाज है तो मैं आयुर्वेदा के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूं सेकेंड आई एम नॉट अगेंस्ट पतंजलि और रामदेव बाबा क्योंकि देखो यार मेरी ना इनसे कोई पर्सनल दोस्ती है ना कोई पर्सनल दुश्मनी है लेकिन हाँ आई एम जस्ट विद साइंस एंड प्रोटोकॉल्स जो साइंस के अकॉर्डिंग जो प्रोटोकॉल्स होने चाहिए वो होने चाहिए और वो सबके लिए मान्य होते हैं तो सबको उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी अलर्टेबल साइंटिफिक इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर नथिंग एल्स ऑल सो देखो यार एंजाइम इनिबिशन के बारे में हम सबको पता है एक जो एंजाइम रहता है उसकी कुछ एक्टिव साइट्स रहती हैं उस एक्टिव साइट के ऊपर कोई भी सबस्टेट जब आकर बाइंड करता है देन इट यूज टू

और इसको इनएक्टिवेट कर देता है बिकॉज प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है आपके वहां पर इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं हो पाएंगे सिमिलरली हम लोग क्या कोशिश करते हैं हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आपका कोई भी अगर पैथोजन है तो उसके किसी एंजाइम को ब्लॉक करने के लिए हम लोग इनिबिटर जो है डाल दें ओके okay? जो कि उसके सबस्टेट से रिजेंबल करेगा अगर आप उस इनहिबिटर का डोज बढ़ा दोगे तो ये इनहिबिटर जाके उस एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएंगे जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट ना बनकर कुछ और चीज बन जाएगी या फिर एंजाइम आपका इनएक्टिवेट हो जाएगा एंड इन दैट पर्टिकुलर केस आपको क्या मिलेगा आपका एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना जो शायद उस पैथोजन की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट था जो शायद उसके डेवलपमेंट और पैथोजे के लिए इंपॉर्टेंट था अगर वो प्रोटीन आपका नहीं बना तो अब आप बैक्टीरिया आपका पैथोजेनिक नहीं रहेगा या फिर कोई भी आपका पैथोजन है वो पैथोजेनिसिटी अपनी नहीं शो कर पाएगा सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इनएक्टिवेट द एंजाइम जिसके लिए हम काफी सारे डॉकिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं डॉकिंग का मतलब दुनिया में करोड़ों ऐसे केमिकल्स हैं जो कि मेडिसिन के तौर पे यूज किए जा सकते हैं आपको कैसे पता लगेगा कि उनमें से पांच या दस ऐसे कौन से केमिकल हैं जिनमें से आपको एक पोटेंट मेडिसिन मिल सकती है तो आप करोड़ों मॉलिक्यूल्स को अगर स्क्रीन करने बैठोगे तो आपको शायद जिनों हजारों साल लग जाएंगे एक मेडिसिन को लाने में लेकिन आपके पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स होते हैं जिनको यूज करके आप लोग क्या करते हो एंजाइमेटिक जो साइट है जो एक्टिव साइट है और कोई मेडिसिन है इनके बीच में डॉकिंग करवा के देख लेते हो कि कौन सा आपका केमिकल एंजाइम के एक्टिव साइट में बराबर फिट होता है जिसकी फिटिंग एफिशिएंसी सबसे बेहतर होगी उसको आप एज एन इनिबेटर यूज कर पाओगे या एज अ ड्रग यूज कर पाओगे सो so, उसके लिए डॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जो कि मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं सो so, ये आपका प्रोटीन डेटा बैंक है जहां पर आपको काफी सारे प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर मिलेगा और भगवान की दया से इस बार सार्स कि जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन है ये इनका मॉलिक्यूल ऑफ द मंथ भी है सो so, हर मंथ जो है आपके पीडीबी की वेबसाइट पर एक मॉलिक्यूल छाया रहता है और इस बार यह है सार्स को टू स्पाइक प्रोटीन राइट सो so, यहां पर जो है स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ बायोलॉजी आपको दिखाई जाती है यानी के बारे में हम लोग पूरी की पूरी डिस्कशन करते हैं दुनिया में जितने भी प्रोटीन है उनका ये एक डेटा बेस है यानी किसी भी प्रोटीन का अगर आप यहां पर नाम टाइप करोगे तो आपको उस प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो और प्रोटीन की स्ट्रक्चर को देखना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना मैं दो तीन मिनट की वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा किस तरीके से आप इस डेटा बैंक को यूज कर सकते हैं राइट सो इसमें मैंने एंटर किया आपका सार्स कोव टू का एस टू रिसेप्टर क्योंकि एस टू इज द रिसेप्टर वेयर पर्टिकुलर बाइंडिंग अकर्स और उसके बाद ही उसे एंट्री मिलती है ह्यूमन सेल्स के अंदर सो so यहां पर जो है काफी सारे मोलिक्यूल्स मेरे सामने आ गए दिस इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ कोविड नाइनटीन मेन प्रोटीन इन कॉम्प्लेक्स विद कार्मोफर सो कार्मोफर जो है इसके साथ अगर वो कॉम्प्लेक्स बनाता है तो किस तरीके से दिखाई देगा वो आपका यह स्ट्रक्चर है जब आप यहां पर जाकर थ्री डी व्यू पर क्लिक करते हो तो आप इस थ्री डी व्यू को घुमा घुमा कर देख सकते हो अलग अलग ओरिएंटेशन में और आपको यह पता लग जाएगा कि, कि किस तरीके से बाइंडिंग जो है आपकी और बेहतर करी जा सकती है कौन से अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर को आप लोग यू यूनो कौन सा अमीनो एसिड को आप लोग सब्सिट्यूट करो कि आपको बेटर बाइंडिंग देखने को मिले या फिर काफी सारी और चीजें हैं जिसके लिए पर्टिकुलर थ्री डी व्यू यूज किया जा सकता है सिमिलरली यहां पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपके कोविड नाइनटीन के मेन प्रोटीस का जो कि इनहिबिटर यू के साथ लिंक है यानी यहां पर देखो मेन प्रोटीएज की बात हो रही है लेकिन यहां पर एक कार्मोफर के साथ लिंक था ओके और यहां पर जो है आपका ये यूएडब के साथ लिंक है सिमिलरली आपका जो मेन प्रोटीएज है ये आपका यू टू फोर्टी सेवन के साथ लिंक है यानी अलग अलग ड्रग्स के साथ या अलग अलग केमिकल्स के साथ जो कि आपको कैम्प बैंक से मिल सकते हैं या जो आपको ड्रग बैंक से मिल सकते हैं उन केमिकल्स के साथ आप इनकी डॉकिंग करा के देखते हो कि कौन से दो मॉलिक्यूल्स आपके बेहतर तरीके से फिट बैठते हैं जो फिट बैठ गया एक्टिव साइट में इसका मतलब दैट इज गोइंग टू बी अ पोटेंट ड्रग उसको आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो या एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट तो कर ही सकते हो जो पांच मॉलिक्यूल्स आप लोग करोड़ों मॉलिक्यूल्स में से शॉर्टलिस्ट करोगे जो बेस्ट होंगे उनमें से आप फिर जो है अलग अलग चीज पर्सनली करके देख सकते हो राइट तो इससे आपका टाइम बचता है इन द रिसर्च सो दैट्स वाई बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सो यहां पे जब आप देखो, देखोगे तो मैंने यहाँ पर क्या किया है ये जो आपका कार्मोफर के साथ जो आपका मेन प्रोटीन का एसोसिएशन बना था उसका मैंने 3D व्यू निकाला

देन देन ग्लाइसिन हो हो गया right? हो गया राइट फिनाइल एलेनिन इस तरीके से आपका पूरा सीक्वेंस यहां पर दिया हुआ है कि कितने अमीनो एसिड यहां पर हैं एंड आफ्टर दैट इसका स्ट्रक्चर यहां पर बनाकर दिखाया हुआ है तो आप यहां से डॉकिंग को बेसिकली जो है आप समझ सकते हो कि ये मॉलिक्यूल इसके साथ बेटर डॉक हुआ है कि नहीं जो हमें पता लगा था कि क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन आपके कोविड को कुछ हद तक रोक सकते हैं वो जो आपकी यू नो बेसिकली रिसर्च थी वो भी डायरेक्टली डॉकिंग बेस्ड थी सो दैट्स वॉर्ट डॉकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट अब देखो कि जब आप प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स करते हो तो उसमें बहुत सारे फेजेस होते हैं जो जो मेडिसिन आप आज खा रहे हो जो आपको लगता है है कि शायद 5 -10 दिन की मेहनत ऐसा नहीं है उसको फैक्ट्री में बनाना इज वेरी इजी लेकिन उसको क्लिनिकल ट्रायल से पास कराना इज वेरी डिफिकल्ट काफी सारी ऐसी मेडिसिन होती है जिनको मार्केट में आने में चौदह से पंद्रह साल तक लग जाते हैं सो दैट इज अ वेरी रोबस्ट प्रोसेस यहां पर क्या होता है आपका एक्सप्लोरेटरी फेज होता है जो कि आप बेसिकली क्या करते हैं आप लोग कंसेप्ट को वैलिडेट करने के लिए करते हैं उसके बाद आप प्री क्लिनिकल टेस्ट करते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स में जैसे आपके माइस वगैरह हो गए रेट रैट वगैरह हो गए जिससे कि आप पहले उनको ट्रीट करके देखें आफ्टर दैट आप थोड़े बड़े एनिमल्स की तरफ बढ़ते हैं जैसे कि आप यू नो बेसिकली मंकी को यहाँ पर यू uh, नो you know, uh, लेते हैं इनटू कंसीडरेशन बिकॉज इट इज मोर रिलेटेड टू दैट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर दैट देयर इज सेफ्टी ट्रायल कि आपके जो कुछ पेशेंट्स हैं उन पर ट्राई करने की कोशिश की उसके बाद एक टारगेट पॉपुलेशन पर ट्राई किया जाता है उसके बाद जो है आपकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन पर जो टारगेट करके उसकी एफिकेसी को देखा जाता है कि कहीं इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है सो so, बहुत ज्यादा बड़ी आपकी क्लिनिकल ट्रायल में बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराते हो कि हाँ भाई ये जो है आपका रिस्क फ्री है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हो आफ्टर दैट जो है मार्केटिंग अथॉरिटी आपको बोलेगी कि हां भाई आपको जो है अच्छा खासा टाइम मिल गया है इसको कमर्शलाइज करने का तो so, जब तक इसका कोई बेटर ऑल्टरनेटिव नहीं आता यू कैन कमर्शलाइज दैट और उसके बाद जो है आपका मार्केटिंग हो जाती है और मार्केटिंग के बाद भी कुछ ट्रायल होते हैं मार्केटिंग जो है उसके बाद भी देखा जाता है कि कहीं इसके कोई फर्दर साइड इफेक्ट तो नहीं है सो इट इज अ वेरी रॉबस्ट प्रोसेस इतनी जल्दी ये काम नहीं हो पाते अभी ये जल्दी इसलिए हो रहे हैं बिकॉज हमें जरूरत है इट्स अ पेंडेमिक अगर अदरवाइज कोई नॉर्मल अगर डिजीज होती है और काफी सारी कंपनीज अगर उसके लिए ड्रग बना रही हैं तो उनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है अभी अकॉर्डिंग टू समर्ट ऑफ न्यूजेस देर आर मोर देन वन हंड टेन ग्रुप ऑल अराउंड आर लाइक वर्किंग ऑन पोटेंट वैक्सीन ऑन कोरोना वायरस और कोविड नाइन्टीन सो वो जो है अपने काम में लगे हुए हैं इसके बीच में पतंजलि आता है अपनी यू you नो know, एक मेडिसिन लेके तो किस तरीके से वो मेडिसिन एफिशिएंट है ये हमें देखना है पहली बात तो हर मेडिसिन की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं सिंस द पतंजलि मेडिसिन इज बेस्ड ऑन आयुर्वेदा सो यहां पर ये मेडिसिन जो है ये जीरो साइड इफेक्ट के साथ है और यू नो इसमें जीरो परसेंट साइड इफेक्ट है और ये आपका हंड्रेड सेफ है ओके सेफ इन द सेंस आप इसको खा सकते हो जैसे यार आपका हाजमोला है उसको आप कभी भी खा सकते हो आपके पेट में दर्द है तो भी खा सकते हो पेट में दर्द नहीं है तो भी खा सकते हो स्वाद के लिए भी खा सकते हो इट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू एनी हाउ बिकॉज इट इज फॉर्मड बाय सम सॉर्ट ऑफ फाइटो केमिकल्स एंड मेटाबोलाइट विच कैन बी इजिली मेटाबोलाइज इन योर बॉडी राइट वो प्लांट एक्सट्रेक्ट या फिर काफी सारी जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट से मिलकर बनता है जो कि आपकी बॉडी में आसानी से मेटाबोलाइज कर लिए जाते हैं इन प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट को आप लोग कहते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज जो कि आपकी बॉडी में कभी भी हानिकारक नहीं रहती फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ केमिकल्स टू मेक अ ड्रग फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आपने पैरासिटामोल अगर बनाई है तो उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो आपके वो आपको क्लिनिकल ट्रायल से गुजारने होंगे उसके लिए आपको जो है यू नो काफी सारे एफडीए वगैरह से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा लेकिन अगर आप उसी की जगह आयुर्वेदिक कोई मेडिसिन यूज करते जो ऑलरेडी जिनका जिक्र लिटरेचर में है तो आपको उतने ज्यादा रोबस्ट ट्रायल से नहीं गुजरना पड़ता बिकॉज हम सबको पता है कि हल्दी हम लोग खाते हैं ओके टर्मरिक हमारे खाने में यूज होता है राइट right? एलोवेरा हम लोग वैसे भी यूज करते हैं उसका जूस भी हम लोग पीते हैं सो so, अगर उन चीजों को यूज करके आप लोग बेसिकली कोई मेडिसिन बनाते हो तो उसको यूजुअली उतने रोबस्ट यू नो प्रोटोकॉल से नहीं गुजारा जाता लेकिन व्हेन इट कम्स टू द एफिशिएंसी ओके ये तो पता है कि हंड्रेड सेफ है खाने में लेकिन ये कितनी एफिशियंट है इसके लिए तो आपको भाई क्लिनिकल ट्रायल्स करने ही पड़ेंगे बिकॉज कोविड में आप लोग रिस्क नहीं ले सकते यहां पर थोड़ा बहुत लोचा आता है आपके यू नो कोरो के अंदर यानी कि यहां पर जो है जो इनकी एफिशिएंसी है वो उन्होंने बोल तो दिया कि हमने हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स को ट्रीट किया है और हंड्रेड परसेंट हमारा रिकवरी रेट है बट उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है यानी दे हैव नॉट प्रेजेंटेड द रिकॉर्ड दे हैव नॉट प्रेजेंटेड द प्रेजेंटेडा दे हैव नॉट पब्लिश इवन सिंगल पेपर दैट वी आर वर्किंग ऑन दिस दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलर थिंग एंड इट हैज बीन प्रूव्ड दैट दे हैव सम सॉर्ट ऑफ एंटीवायरल रिकॉर्ड ऐसा कुछ जो है अभी तक प्रूव नहीं हुआ है सो दैट्स वाई यहां पर थोड़ा सा जो पतंजलि का कोरोनिल है वो घेरे में है सो so, यहां पर क्या हुआ आपका जो कोरोनिल है उस पर आईसीएमआर और आयुष मिनिस्ट्री ने जो है पल्ला झाड़ लिया है और उन्होंने कहा है कि भाई पतंजलि की और करती है कि नहीं करती ये हम अभी क्लेम नहीं कर सकते हम ये नहीं कह सकते ये सिर्फ अभी तक सिर्फ पतंजलि ने क्लेम किया है हम लोगों ने क्लेम नहीं किया बिकॉज आयुष मिनिस्ट्री से कोई भी अगर आयुर्वेदिक कंपोनेंट बनता है आपके इंडिया में तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से जो है रिटर्न लेना पड़ता है कि दैट दिस इज आवर डेटा दिस डेटा वी आर गोइंग टू प्रेजेंट इन एन इंटरनेशनल जर्नल और कीटिकुलर मेडिसिनल कंपाउंड और अच्छा कॉम्पोनेट तो पहली बात तो ये एक वैक्सीन नहीं है जो लोग भ्रम में है कि वैक्सीन बन गई एक मेडिसिन है इट इज नॉट द वैक्सीन एंड इट डू नोट इट जस्ट कमिट कि हाँ मैं हंड्रेड परसेंट क्यों और करता हूँ लेकिन उसका कोई डेटा या कोई रिकॉर्ड नहीं है सो so, इसीलिए इंडिया की जो दो सबसे बड़ी एजेंसीज हैं आपकी आईसीएमआर जो कि ओवरऑल सारी की सारी मेडिकल काउंसिल्स का पिताजी है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च और आयुष मिनिस्ट्री जो कि आपके आयुर्वेदा को कंसिडर करता है इन दोनों ने कहा है कि देखो भाई पतंजलि अगर आप कहते हो कि आपका हंड्रेड रिकवरी रेट है तो हमें जो है उसके ऊपर जो भी आपने रिसर्च करी है जो भी आपके एक्टिव कंपाउंड्स आपने यूज किए हैं जो भी आपने फाइटोकेमिकल कंपाउंड्स यूज़ किए हैं जो भी आपने एसेंशियल प्लांट मेटाबोलाइट्स यूज किए हैं उन मेटाबोलाइट्स का हमें जो है पूरा का पूरा डिटेल चाहिए प्लस हमें ये चाहिए कि इनकी कॉम्पोजिशन क्या है आपने किस चीज को कितना लिया और किस चीज को किसमें कितना मिलाया जो इसमें पिसे हुए तत्व हैं इन द पाउडरी फॉर्म उनका भी हमें कॉम्पोजिशन चाहिए अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट फाइटोकेमिकल एक्सट्रैक्ट किया है हमें उसका भी कॉम्पोजिशन चाहिए प्लस हमें वो डेटा चाहिए हमें वो रिकॉर्ड चाहिए जो आप क्लेम करते हो कि हमने इतने इतने पेशेंट्स पर ये ये चीज करके देखी है सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग पतंजलि ने कहा कि हम लोगों ने जो है जिनमें माइल्ड आपके सिम्टम्स थे ज्यादा सिम्टम्स जो कि नहीं थे जो सिर्फ अभी जब स्टार्ट हुए थे सिम्टम्स या जो ए सिम्टोमेटिक पेशेंट थे हमने उन पर जो है उनको क्लिनिकल ट्रायल्स में लिया है आपके जो वेंटिलेटर्स पर पेशेंट थे या फिर जो आपके ऐसे पेशेंट्स थे जिनको बहुत ज़्यादा जरूरत थी इस मेडिसिन की उनको क्लिनिकल ट्रायल में अभी तक नहीं लिया है कल आज तक पे बैठ के मैंने पूरी की पूरी यू नो रिपोर्ट देखी थी और पूरा का पूरा इंटरव्यू सुना था बाबा रामदेव की जुबानी खुद सो इसको यार आप हंड्रेड परसेंट क्योर फिलहाल नहीं बोल सकते और जब तक मैं ये नहीं कह रहा कि देखो आयुर्वेद में दम नहीं है या फिर ये मेडिसिन क्योरेबल नहीं है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा लेकिन बिफोर क्लेमिंग एनीथिंग एटलीस्ट वी नीड टू गो थ्रू द सेफ्टी ट्रायल्स और क्लिनिकल ट्रायल्स आफ्टर दैट वी नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम आयुष एंड आईसीएमआर दैट वी कैन कमर्शलाइज इट सो सबसे पहली बात यह है कि जब तक आईसीएमआर और आयुष से आपका नहीं आ जाता कोई क्लैरिफिकेशन तब तक हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये कोई आपकी मेडिसिन बन गई है या फिर ये आपकी हंड्रेड परसेंट क्योरेबल है या फिर कितनी भी क्योरेबल है इसको हम लोग नहीं कह सकते राइट right? गेट अ क्लैरिफिकेशन फॉर आयुष तो पतंजलि सबमिट करने वाला है उसको एक वीक के आसपास लग सकता है कितना टाइम लगेगा सो so, जब भी अपना डेटा सबमिट करेंगे आफ्टर दैट आयुष इनको परमिशन देगा अपने चीज को प्रमोट करने के लिए कल जब बाबा रामदेव अपने you know, प्रोडक्ट को प्रमोट करने आए तो आयुष ने जो है उसको मंजूरी नहीं दी So, अगर मंजूरी नहीं मिली है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ

साइड इफेक्ट इसका कुछ नहीं होगा यूज करने में ऐसा नहीं है कि आप लोग बीमार पड़ जाओगे आप बहुत ज्यादा बीमार हो जाओगे या आपका कोरोना वायरस में अगर इनफेक्ट अगर आपको है तो आप लोगों की स्थिति बेकार हो जाएगी ऐसा कुछ मैं नहीं कह रहा बिकॉज ये आयुर्वेदिक है ये 100 परसेंट आपका रिस्क फ्री रहता है बिकॉज इसमें जड़ी बूटियों के एक्सट्रेक्ट है और कुछ नहीं है तो इससे होगा कुछ नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है पैसा बर्बाद हो जाए ओके सो जब तक कन्फर्मेशन नहीं आती है अगर कन्फर्मेशन आ जाती है मैं भगवान से दुआ करूंगा कि कन्फर्मेशन आ जाए और ये कहा जाए कि पतंजलि की जो अभी टैबलेट्स बनी है ये क्योर कर सकती है कुछ हद तक तो वो उससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए भी कुछ नहीं होगी हम लोग भी यार चाह रहे हैं कि इंडिया से जल्दी से जल्दी या फिर पूरी दुनिया से जल्दी जल्दी ये महामारी जो है भागे राइट लेकिन कुछ चीज क्लेम होने से पहले हम लोग जो है उसको यू नो इस तरीके से ओवर एक्सप्रेसिव नहीं होने देना चाहते हम लोग एक क्लियर कट जो है उस पर चीज लेके चलेंगे और काफी सारे 110 से भी ज्यादा रिसर्च ग्रुप्स जो है अभी कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहे हैं और काफी सारे ऐसे वैक्सीन हैं एक थाई वैक्सीन है जो कि अभी थर्ड स्टेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल पर पहुंच चुकी है आपका जो चाइनीज वैक्सीन है वो अभी ह्यूमन ट्रायल्स में पहुंचने वाली है और यूएस की एक वैक्सीन है जो कि ह्यूमन ट्रायल्स पर पहुंच चुकी है इसे अप्रूवल मिल चुका है यानी इससे पहले के पहले जो सारे के सारे सेफ्टी ट्रायल्स थे इसने क्वालिफाई कर लिए हैं तो हमें यार आस है कि अगले दो तीन महीने के अंदर हमें शायद वैक्सीन मिल जाए राइट right, और ये वाली मेडिसिन अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है तब तक या फिर अगर ये क्योरेबल होती है तो इससे ज्यादा तो बेहतर कोई बात हो ही नहीं सकती मैंने बस आप लोगों के सामने चीजें हैं कि अभी फिलहाल चीजों में ना घुसा जाए अभी फिलहाल इस चीज पर भरोसा यू नो ना किया जाए जब तक आयुष का या फिर आईसीएमआर का कंफर्मेशन नहीं आ जाता बिकॉज अभी जो है सारे के सारे प्रोटोकॉल 100 परसेंट यू नो अचीव नहीं किए गए हैं सो बिफोर दैट अचीवमेंट वी कांट से एनीथिंग सो अभी आयुष ने इनको कहा है कि आपका जो जो भी इसका कॉम्पोजिशन है कोरोनल का वो हमें भेजो जो जो भी आपने रिसर्च करी है जो जो भी आपके पास डेटा है वो सारा का सारा हमें भेजो ओके okay? उसके बाद ही जो है हम लोग इसको पब्लिसाइज करने देंगे तब तक जो है आप लोग एडवर्टाइजिंग या पब्लिसिटी इस चीज की नहीं कर सकते क्योंकि इंडियन ऑडियंस क्या करती है खरीद लेती है क्योंकि उनको डर है ऑब्वियसली सबको डर है अगर कोई बोल देता क्लेम कर देता और आयुष का इस पर कोई टेक नहीं आया होता तो हम लोगों ने भी शायद मंगा मंगा के रख ली होती जैसे हम लोग खुद एटलीस्ट खुद को प्रोटेक्ट कर ले सो दैट इज नॉट रॉन्ग लेकिन विदाउट कंप्लीटिंग हंड्रेड परसेंट ऑफ द प्रोसीजर और प्रोटोकॉल इट बिकम्स रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर यू नो एनी टू परचेज दैट सो so, इसीलिए आयुष ने जो है इसके एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया है जब तक कोई कंफर्मेशन आपकी नहीं आती कोरोनल वालों की तरफ से या फिर पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जब तक कोई डेटा पब्लिश नहीं होता तब तक ये ऑथेंटिकेटेड नहीं मानी जाएगी तब तक इसको अप्रूवल नहीं मिलेगा सो so, खुशी की बात है हमारे लिए कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जा रहे हैं लेकिन वहीं पर हम, हमको थोड़ा सा सतर्क भी रहना है कि हम कुछ चीज जो है बेसिकली मार्केट में आने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखें कि वो अप्रूव्ड है कि नहीं तो आई विश कि ये जल्दी से जल्दी अप्रूव हो जाए बिकॉज हमें भी बहुत ज्यादा खुशी होगी इससे कि लोगों को एक राहत मिल रही है और आई होप ये क्लिनिकल ट्रायल्स में और बेहतर निकले राइट सो आई होप आपको डॉकिंग प्रोसीजर समझ में आया होगा अगर आपको पीडीबी पी आई आर इब डेटा बेसिस के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आई वी बी मेकिंग सेपरेट वीडियोज ऑन दम आज शाम को एक लेक्चर आएगा आपका फिजिक्स का आज आपकी इलेवंथ क्लास फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी और सेकंड लेक्चर मेरी तरफ से आएगा सेक्शल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का वन शॉट सो प्लीज मेक श्योर की आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो सिलेबस आपका डेली डेली थोड़ा थोड़ा कंप्लीट हो रहा है बायोलॉजी आपकी दो दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी आज के बाद दो दिन आपके और लगेंगे दो चैप्टर हमारे इकोलॉजी के रहते हैं सो प्लीज मेक श्योर की आप लोग सब्सक्राइब करो और अपने सारे के सारे चैप्टर्स को पूरा करो राइट थैंक यू सो मच गाइज लॉड्स ऑफ लव एंड टेक केयर थैंक यू